देश में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 112 हुई, कोरोना से अब तक 2 की मौत। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी के 11 जिलों में मॉल और सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद। मुंबई में भी 19 से 31 मार्च तक सभी तरह की शूटिंग बंद। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी सार्क को साथ लाए, कहा इमरजेंसी फंड में भारत $1 करोड़ देगा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली और स्पेन में हालात बिगड़े, इटली में एक दिन में 368 लोगों की मौत। ब्रिटेन की महारानी ने महल छोड़ा। मध्य प्रदेश में आज होने वाले फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार। राज्यपाल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, फ्लोर टेस्ट पर स्पीकर फैसला लेंगे। सिंधिया गुट के 16 विधायकों ने 5 दिन में दूसरी बार स्पीकर को इस्तीफा भेजा। विधायकों ने स्पीकर से कहा, जैसे 6 पर फैसला किया वैसे ही हम पर विचार करें। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस के 5 विधायकों का इस्तीफा। कांग्रेस ने गुजरात के 20 और विधायकों को जयपुर भेजा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी बनाई, कहा पार्टी का झंडा दिल्ली की गद्दी पर लहराएगा। और जम्मू कश्मीर में हिरासत में रखे गए नेताओं की रिहाई पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सभी नेताओं को बहुत जल्द रिहा किया जाएगा।